Assalamu alaikum aspirants. Today we are going to start with the subject of European history past papers. और इस वीडियो में हम past paper 2016 के तमाम questions को one by one discuss करेंगे. And you can download the PDF file by going to the video description. So start करते हैं. हमारा first question है कि the connections between the ideas of the French philosophers and the revolutions was indirect and remote. The philosophers did not preach revolutions rather than undermine the faith of the people in the old order. So discuss. Question इस तरह से है कि फ्रांसीसी फलसफियों के ख्यालात और इनकलाब के दरमियान जो ताल्लुक है वो बराह-रास्त नहीं है बल्कि यानी इनडायरेक्ट है और दूर है और फलसफियों ने इनकलाब की तबलीग नहीं की बल्कि उन्होंने लोगों का पुराने निज़ाम के ऊपर एतमाद कमजोर किया तो इसकी वजाहत करनी है. The French Revolution was influenced by the various social, economic, and intellectual factors. Among these, so the French philosophers of the Enlightenment played a crucial role, although they did not directly incite the revolutions. Their ideas challenged the foundations of the old order and planted seeds of the change in the minds of the people. Francisi inqilab ke kai samaji, muashi aur fikri awamil ne mutasir kiya aur inme Francisi falsafiyon ke khayalat ka ahem kirdar tha. जिन्होंने बराह रास्त इनकलाब की हमायत नहीं की बल्कि लोगों के जहनों में पुराने निज़ाम के खिलाफ सवालात और तब्दीली की ख्वाहिश पैदा की. द रोल ऑफ द फ्रेंच फिलोसफर्स इन द एनलाइनमेंट. रोशन ख्याली के दौर में फ्रांसीसी जो फलसफी थे उनका क्या किरदार था. तो एनलाइनमेंट वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग इन यूरोप ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरीज. यानी जो रोशन ख्याली का दौर था एनलाइनमेंट का दौर था वो 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप में फिक्री बेदारी का दौर था और इस दौरान फ्रांसीसी फलसफी जैसे कि वोल्टेयर रोसो और मोंटेस्क्यू इन्होंने यानी अकल और इसके अलावा अनफरादी हकूक और बादशाहत और जात के मुतलिक अख्तियार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए थे. ठीक है, जिस तरह से वोल्टेयर थे उन्होंने चर्च के असर रसूख और समाजी नाइंसाफियों के ऊपर तनकीद की. इसी तरह रोसो थे उन्होंने अवामी ख्वाहिशात की हमायत की और अवामी हकमियत के ऊपर जोर दिया और मोंटेस्क्यू उन्होंने ताकतों की तकसीम को जुल्म के खिलाफ एक तहफ़ के तौर पर फ़रोग दिया. उसके बाद है अंडरमाइनिंग द फेथ इन द ओल्ड ऑर्डर. पुराने निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर करना. तो फिलासफर्स जो थे यानी फलसफियों ने बराह रास्त इनकलाब की दावत नहीं दी बल्कि उन्होंने रवायती अकायद को चैलेंज किया जिन्होंने जागीरदाराना और बादशाही जो स्ट्रक्चर था उसको बरकरार रखा हुआ था. तो उनकी तहरीरों ने लोगों को कुछ पहलुओं के ऊपर सवाल उठाने के ऊपर मजबूर किया. जिस तरह से वो एस्पेक्ट्स हैं कि बादशाही का इख्तियार है तो बादशाही खुदाई हक से हुक्मरानी करते थे मगर फलसफियों ने इंसानी हकूक और अकल पर जो मबनी हुक्मरानी थी उसका नजरिया पेश किया. उसके बाद फिर रिलीजियस कंट्रोल था कि चर्च के जो असर रसूख है और दौलत है उसके ऊपर तनकीद ने उसकी अथॉरिटी पर शकुक व शुबात पैदा किए. उसके बाद है पॉइंट सोशल इनइक्वालिटी का यानी समाजी नाइंसाफी. तो इसमें जो आज़ादी और मसावात के ख्याल थे इन्होंने लोगों को अशराफिया और मजहबी तबके के मराद के ऊपर सवाल उठाने पर उकसाया. ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंस्पायरेशंस फॉर रिवोल्यूशनरी आइडियाज़. यानी फलसफियों की तहरीर के ने जो इनकलाबी ख्यालात के लिए तहरीक थी तो फलसफियों की तहरीर के जो मुफक्किरीन थे तो इस्लाह पसंद और आम लोगों के एक नस्ल को मुतासर किया था और उनके मसावात आज़ादी और जमहूरियत के नज़रियात ने इनकलाबी सोच के लिए बुनियाद फराहम की. ठीक है, देन शिफ्ट इन पब्लिक कॉन्शियसनेस. तो अवामी शोर में तब्दीली आई. फलसफियों के ख्यालात ने जो तालीम याफ्ता यानी दरमियान तबका था उसके ऊपर असर डाला जिन्होंने तब्दीली की जरूरत को महसूस किया. देन डिमांड फॉर राइट्स. एनलाइनमेंट आइडियल्स बिकेम द फाउंडेशंस फॉर द पीपल्स डिमांड फॉर इक्वल राइट्स एंड फेयर ट्रीटमेंट. यानी रोशन ख्याली के नजरियात लोगों के बराबर हकूक और इंसाफ के मुतालबात की बुनियाद बन गए. सो कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं कि फ्रांसीसी फलसफियों के ख्यालात और इनकलाब के दरमियान जो ताल्लुक था वो यानी बिलवास्ता था मगर ताकतवर था. उन्होंने पुराने निज़ाम को चैलेंज करके मसावात और अकल के ख्यालात को फ़रोग दिया. सो जिससे लोगों का जो यानी मौजूदा स्ट्रक्चर था उसके ऊपर एतमाद कमज़ोर हुआ और इनकलाब के लिए राह भी हमवार हुई. तो उन्होंने बगावत की तबलीग नहीं की. उनके ख्यालात ने इनकलाबी जज्बे की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स did the Congress of Vienna try to achieve? How far was it proved to be successful in the light of the future course of the events in the European history? Yani Congress of Vienna ne kaun se maqasid aur hadaf hasil karne ki koshish ki aur Europe ki tareekh ke mustaqbil ke waqiat ki roshni mein ye kitni kamyab sabit hui. So introduction dekhte hain. Congress of Vienna 1814 to 1815
एक सफारती इजलास था जो नपोलियन की शिकस्त के बाद यूरोप में इस्तेकाम और निज़ाम बहाल करने के लिए मुनक़िद हुआ था, और मेजर जो यूरोपियन पावर्स थी उनके सियासी नक्शे को दोबारा तरतीब देने और मुस्तबिल की जो जंगें थी उनको रोकने की ख्वाहिश थी। आस्ट्रिया थी, प्रोशिया, रूस और बाकी बरतानिया समेत जो बड़ी यूरोपीय ताकतें, इनके सियासी नक्शे को दोबारा तरतीब दिया गया था। देन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कांग्रेस वियना, फिर कांग्रेस ऑफ वियना के मकासद और हदाफ क्या थे, यानी कांग्रेस ऑफ वियना के जो कुछ अहम मकासद थे, जिस तरह से उनका मकसद यूरोप में तवाज़ुन और अमन बहाल करना था, तो उनके मकासद क्या थे कि बादशाहतों की बहाली, यानी नेपोलियन के हाथों माजूर होने वाले जो जायज़ बादशाह थे उनको दोबारा तख्त के ऊपर बिठाना, फ्रांसीसी इनकलाब और नेपोलियन की जंगों के दौरान होने वाली तब्दीलियों को वापस लाना। देन दूसरा पॉइंट बैलेंस ऑफ पावर का, कि ऐसा तवाज़ुन जो है वो पैदा करना कि कोई भी कौम यूरोप पर हावी ना हो सके, खासतौर पर फ्रांस के आइंदा अजायम को महदूद करना। उसके बाद इसमें इलाकाई तब्दीलियाँ हैं, यानी सरहदों को दोबारा तरतीब देना और खित्ते को मजबूत रियासतों में तकसीम करना ताकि फ्रांस के खिलाफ एक हिफाजती हसार बन सके। देन प्रिवेंटेशन ऑफ द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट, मुस्तकबिल के तनाजात की रोकथाम भी इसका मकसद था, यानी ऐसी सफारती हिकमत अमली कायम करना जो जंग के बजाय मुज़ाकरात और तामन की हौसला अफजाई करे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सक्सेस एंड इम्पैक्ट ऑन यूरोपियन हिस्ट्री, यानी कामयाबी और यूरोपीय तारीख पर असरात। तो द कांग्रेस ऑफ वियना, इसने अपने मकासद में मुख्तलिफ यानी के दर्जों की मुख्तलिफ दर्जे की कामयाबी हासिल की, जिसके असरात कई दहाइयों तक यूरोप पर महसूस किए गए थे, जिसमें शॉर्ट टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी है। तो कांग्रेस ने तकरीबन 40 साल तक बड़े यूरोपीय तनाजात को रोका, और इसके अलावा कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप के जरिए निस्बतन अमन बरकरार रखा। लिमिटेड नेशनलिज्म एंड लिबरलिज्म, फिर कांग्रेस ने कौम परस्त और लिबरल तहरीकों को दबाने की कोशिश की, और ये जो आइडियाज थे, ये जो नज़रियात थे, ये यानी फैलते रहे, बढ़ते रहे, और 1830 और 1848 के इंकलाब के सबब बने। उसके बाद है बैलेंस ऑफ द पावर, द सिस्टम क्रिएटेड द बैलेंस दैट रिस्ट्रेंड फ्रांस बट डिड नॉट अकाउंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी एंड इटली व्हिच लेटर डिसरप्टेड यूरोपियन स्टेबिलिटी। ठीक है, यानी कि कांग्रेस ने एक ऐसा निज़ाम कायम किया जिसने फ्रांस को महदूद किया, लेकिन जर्मनी और इटली के इतिहाद के अवामिल को मद्देनजर ना रखा। ठीक है, जिसने बाद में फिर यूरोपीय जो इस्तेकाम था उसको भी मुतासर किया था। देन लीगेसी ऑफ डिप्लोमेसी, फिर कांग्रेस ने सफारती कॉन्फ्रेंसिस की जो रवायात थी उनको फ़रोग दिया, और आइंदा बैन अक्वामी जो तावन था या सफारतकारी थी उसके लिए बुनियाद फराम की। तो कांग्रेस ऑफ वियना ने फौरी तौर पर अमन और नज़म जो है बहाल करने में कामयाबी हासिल की थी। सो इट्स सेपरेशन ऑफ नेशनलिस्ट एंड लिबरल सेंटीमेंट्स वाज ओनली टेम्प्रेरी एज न्यू नेशंस लाइक जर्मनी इमर्ज एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स ग्रू द कांग्रेस कंजर्वेटिव फ्रेमवर्क प्रूव्ड इनइक्वालिटी अल्टीमेटली लीडिंग टू न्यू टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप। यानी कौम परस्ती लिबरलिज्म को दबाना वक्ती साबित हुआ था, आज ही साबित हुआ था, जैसे जैसे जर्मनी और इटली जैसे नए मालिक वजूद में आए और कौम परस्त तहरीकें बढ़ती गईं। ठीक है, फिर कांग्रेस जो है उसका जो कदामत पसंदाना निज़ाम था वो इसके लिए काफ़ी नहीं था, वो ये निज़ाम ना काफ़ी साबित हुआ था, फिर जिससे यूरोप में नए तनाव टेंशन की और तनाजात की राहें खुल गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848, 1830 और 1848 के इनकलाबात का जायजा। सो द रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड 1848 वर मेजर इवेंट्स इन यूरोपियन हिस्ट्री स्पार्क्ड बाय डिमांड्स फॉर पॉलिटिकल चेंज, सोशल जस्टिस एंड नेशनल इंडिपेंडेंस। Although both were driven by similar motives, they had different outcomes and effects. यानी 1830 और 1848 के इनकलाबात यूरोपीय तारीख के अहम वाकयात थे जो सियासी तब्दीली, समाजी इंसाफ और कौमी आज़ादी के मुतालबात के बायस रूनुमा हुए थे। दोनों इनकलाबात में यानी के जो मकासद थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो सेम थे, मगर उनके नतायज और उनके असरात में फ़र्क था। तो अब हम इस इनकलाबात के असबाब को डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहात थे, क्या असबाब थे जिसकी वजह से ये इनकलाब आए। तो इसमें है 1830 का इनकलाब, तो इसकी वजूहात क्या हैं, आइनी हुकूमतों का मुतालबा, यानी फ्रांस और बाकी जो यूरोपीय बादशाह थी उनमें यूरोपीय शहरियों ने बादशाही इख्तियार पर आइनी पाबंदियों का मुतालबा किया था। नेशनलिज्म एंड इंडिपेंडेंस, यानी बेल्जियम और पोलैंड जैसे इलाकों में लोगों ने गैर मुल्की हुकूमत से आज़ादी हासिल करने की ख्वाहिश को जाहिर किया। उसके बाद है सोशल इनइक्वालिटी, अदम मसावत भी इसकी एक वजह थी, यानी बढ़ते हुए जो दरमियानी तबके ने ज़्यादा हकूक और नुमाइंदगी का मुतालबा किया था। अब हम चंद पॉइंट्स देखते हैं रेवोल्यूशन ऑफ 1848 के,
यानी इसकी वजूहात कौन क्या थी जिसकी वजह से ये इंकलाब आया था। तो इसमें इकोनॉमिक हार्डशिप थी, यानी बड़ी सतह के ऊपर बेरोजगारी और कहत ने खुराक की कीमियाई को जन्म दिया था, यानी और उसके बाद इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन अमंग वर्किंग क्लासेस, यानी जिससे फिर मजदूर तबके में शदीद मायूसी फैली। देन ग्रोइंग लिबरल एंड नेशनलिस्ट आइडियल, कॉल्स फॉर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड नेशनल इंडिपेंडेंस ग्रू स्पेशली अमंग स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल्स एंड वर्कर्स, यानी बढ़ते हुए लिबरल और कौमी ख्याल जो थे, जमहूरी तर्ज हुकूमत और कौमी आज़ादी के मुतालबात में भी इजाफा हुआ, यानी ये 1848 के इनकलाब की एक और वजह थी। तो खासतौर पर तुलबा और जो इंटेलेक्चुअल्स थे और मजदूर थे इनके दरमियान बादशाह इख्तियार की मुखालफत, यानी 1848 के इनकलाब की एक और वजह बादशाह इख्तियार की मुखालफत थी। तो जमहूरी असलाहत और बादशाह इख्तियार में कमी की ख्वाहिश में शिदत आ गई थी। अब हम कुछ की इवेंट्स और इनके आउटकम्स को डिस्कस करते हैं। तो 1830 का इनकलाब आया, 1830 का रेवोल्यूशन, तो इसमें क्या इवेंट्स हुए थे और क्या नतायज बरामद हुए इसके। तो फ्रांस के बादशाह जो 40 दहम थे उनको तख्त से उतार दिया गया था और उसके बाद लोटी फ्लैप को बादशाह बनाया गया था, जिससे फिर मुतलिक अनान बादशाह से अन्य बादशाह की तरफ तब्दीली आई थी। उसके बाद इसमें जो बेल्जियम है, यानी बेल्जियम ने नीदरलैंड से आज़ादी हासिल कर ली और उसके बाद जो कौम परस्त तहरीकें थी वो नाकाम रही थी पोलैंड और इटली की, और ताकतवर कोते ने उन्हें कुचल दिया था। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इवेंट्स को जो कि यानी रेवोल्यूशन ऑफ 1848 के थे। तो इसमें एक और बगावत के नतीजे में दूसरा जम्हूरिया कायम हुआ था और इसमें लुईस फिलिप्स उन्होंने नेपोलियन और बोनापार्ट को सदर मुंतखब किया था। उसके बाद इसमें है जर्मन स्टेट्स, तो इतिहाद और लिबरल आइन के मुतालबे जब किए गए थे तो इनकी कोशिशों को दबा दिया गया था। ऑस्ट्रियन अम्पायर, रिवॉर्ड्स इन हंगरी इटली एंड वियना, सोर्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म्स बट वार अल्टीमेटली डिफीटेड, यानी हंगरी इटली और वियना में बगावतें उठी थी जिन्होंने आज़ादी या फिर असलाहत का मुतालबा किया था लेकिन यह नाकाम रही। देन सक्सेस एंड फेलियर्स, अब हम 1830 और 1848 के जो इनकलाबात थे इनकी कामयाबियों और नाकामियों को डिस्कस करते हैं। तो इसकी क्या जो 1830 का रेवोल्यूशन था इसकी क्या कामयाबी थी कि फ्रांस में सियासी तब्दीली और बेल्जियम की आज़ादी इसकी वजह से हासिल हुई थी मगर बाकी इलाकों में महदूद कामयाबियाँ मिली थी। और जबकि 1848 के इनकलाब की जो है नाकामियाँ क्या थी कि इसने इनकलाबात पूरे यूरोप में फैल गए थे, ज़्यादातर तहरीकें दबा दी गई थी और जमहूरियत और कौमी इतिहाद के मुतालबात पूरे ना हो सके थे। तो कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं कि 1830 और 1848 के जो इनकलाबात थे उनके मकासद में जो थी यानी सिमिलैरिटीज थी लेकिन उनका जो दायरा कार था और उनके नतज थे वो एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। तो 1830 और 1848 के इनकलाबात जो थे वो ज़्यादातर बड़ी सतह के ऊपर फैले मगर ज़्यादातर नाकामी का शिकार हुए थे और इन दोनों के इनकलाबात ने मुस्तकबिल की तब्दीलियों के लिए भी बुनियाद फराहम की और यूरोप में जमहूरियत और कौमी इतिहाद के लिए बाद की तहरीकों को भी मुतासिर किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी अगर सिमल्टेनियसली सो देयर हिस्ट्री इज टच एंड ओवरलैप एट पॉइंट्स एंड एट टाइम्स हेल्प ईच अदर डिस्कस। सो इटली और जर्मनी का इतिहाद जो है वो बैक वक्त वकूफ पजीर हुआ, उनकी तारीखें जो हैं वो कई मकाम के ऊपर एक दूसरे से मिलती हैं और बाज़ों का उन्होंने एक दूसरे की मदद भी की है। तो इटली और जर्मनी का इतिहाद जो है वो 19वीं सेंचुरी के मिड में हुआ था और ये यूरोपीय तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ था। इनके इतिहाद की राय मुख्तलिफ थी मगर कई मकाम के ऊपर इनके दरमियान जो थे वो रवाबित थे और बाहमी असरात थे जिन्होंने इनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। कॉमन गोल्स एंड इन्फ्लुएंसेस, मुश्तरक अहदाफ और इसके असरात, डिज़ायर फॉर नेशनल यूनिटी, तो इसमें इटालियंस ने और जर्मनों ने जो बिखरी हुई रियासतें थी उनको एक मुतहद और मजबूत कौम में तब्दील करने का अज़्म पाया जाता था जो कौमी जज्बे से मुतासिर था। उसके बाद ऑस्ट्रिया एक गालिब ताकत थी जो इटली और जर्मन कॉन्फेडरेशन के हिस्सों के ऊपर काबिज थी। ऑस्ट्रिया प्रोशिया जंग जो थी 1860 इसके बाद ऑस्ट्रिया की कमजोरी ने इटली और जर्मनी के इतिहाद के मौके भी पैदा किए थे। अब इसमें सिमिलर टाइमिंग है कि दोनों इतिहाद जो थे वो 1850 और 1870 के दरमियान अमल में आए थे और जिससे एक खित्ते के वाकया दूसरे के ऊपर असरअंदाज हुए और एक दूसरे के लिए तहरीक की वजह भी बने। की फिगर्स एंड मूवमेंट्स क्या हैं, इसमें अहम शख्सियात और क्या अहम तहरीकें चलाई गई थी। तो इटली के अंदर काउंट कैमिलो दी क्योवर सरीजना के वजीर आजम
थे जिन्होंने शुमाली इटली में आस्ट्रिया के कंट्रोल को कमजोर करने के लिए सफारतकारी और इतिहादों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद इसमें जोसेबे गारिबाल्दी थे, एक इनकलाबी रहनुमा थे जिनकी फौजी कंपेन्स ने जुनूबी इटली को शुमाल के साथ मुतहद करने में मदद की। अब इसमें है जर्मनी, तो इसमें ओटोमन बिस्मार्क थे रहनुमा और प्रशिया का चांसलर जिन्होंने जर्मन इतिहाद को जंगों और रियल पॉलिटिकल हिकमत अमलियों के जरिए मुमकिन बनाया था। उसके बाद प्रशिया की अस्करी कामयाबियां क्या थी, तो खासतौर पर ऑस्ट्रिया और प्रशिया की फतुहात ने इटली को अपनी आज़ादी की जंगों में हौसला दिया। देन पॉइंट्स ऑफ द ओवरलैप इन म्यूचुअल सपोर्ट, फिर मिश्र का नकात क्या थे और उन्होंने आपस में एक दूसरे की मदद कैसे की, उनकी बाहमी मदद क्या थी। तो ऑस्ट्रिया प्रशिया जंग 1866, इटली ने प्रशिया के साथ ऑस्ट्रिया के खिलाफ इतिहाद किया, ठीक है, जिससे ऑस्ट्रिया को शिकस्त हुई थी और इसने प्रशिया के शुमाल जर्मनी पर के ऊपर गलबा हासिल करने में मदद की, जबकि इटली ने वेनेटिया का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। देन शेयर डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटजी, स्केवर एंड बिस्मार्क वर बोथ स्किल्ड डिप्लोमेट्स हु यूज्ड अलायंसेस इन वॉर टू एडवांस नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ और लर्निंग फ्रॉम ईच अदर सक्सेस। तो इस तरह से जो मुश्तरका सफारतकारी थी हिकमत अमली थी, केवर और बिस्मार्क दोनों माहिर सफारतकार थे जिन्होंने इतिहाद और जंग को कौमी इतिहाद के लिए इस्तेमाल किया और एक दूसरे की कामयाबियों से सीखा। तो इटली और जर्मनी के इतिहाद में मुश्तरका मकासद और हिकमत अमली नजर आती है, उनके वाहमी मफादात और उनका इतिहाद, इसके अलावा उनकी जो सिमिलर टाइमलाइन है, इसने एक दूसरे की पेशरफ से फायदा उठाने में मदद दी। तो खास तौर पर जो आसिया था इसके गिरफ्त को कमजोर करने में, तो इन दोनों के इतिहाद ने यूरोप को एक नई शेप दी और ताकत के तवाजन के लिए नए रास्ते भी मुतय्यन किए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रिटिकली एवलुएट द कॉजेज ऑफ द अलाइड विक्ट्री इन द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी पहली जंग अजीम में इतिहादियों की फतह के असबाब क्या थे। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका, कि पहली जंग अजीम में इतिहादियों की जो फतह थी वो मुख्तलिफ अवामिल का नतीजा थी, ठीक है, जिन्होंने मरकजी ताकतों के ऊपर उन्हें बढ़तरी दिलाई थी। सो दिस विक्ट्री वॉज शेप्ड बाई मिलिट्री इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस एज वेल एज द इंटरनल चैलेंजेस फेस्ड बाई द सेंट्रल पावर्स। ये फतह जो थी, ये फौजी इक्तसादी और स्ट्रेटजिक फायद के साथ साथ मरकजी ताकतों को दरपेश अंदरूनी चैलेंजेस से भी मुतासर हुई थी। मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस, तो बरतानवी जो रॉयल नेवी थी इसने समुद्रों के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत रखी, जिससे इतिहादों को जर्मनी की जो है नाकाबंदी करने का मौका मिला था, जिसने जर्मन मईशत और फौज को एम से प्राया से महरूम कर दिया था और उसे कमजोर कर दिया था। अब यूनाइटेड स्टेट इंट्री है, ये अमरीका की शमूलियत 1917 के अंदर हुई, तो नए अमरीकी फौजी और वसायल जो थे वो इतिहादी अफवाज के लिए बड़ा सहारा बने, जिसने जंग का तवाजन जो था उनके हक में कर दिया था और उनके हौसले को बढ़ाया था। इफेक्टिव यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी का मुअसर इस्तेमाल किया गया, तो इतिहादियों ने टैंकों, हवाई जहाजों और जदीद जो आर्टिलरी टैक्टिक्स थी उनको इस्तेमाल किया था, खासतौर पर जंग के आखिरी साल में, जिसने उन्हें मैदान जंग में वाज़ह बढ़तरी दी थी। उसके बाद हम उनके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और रिसोर्स अवेलेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है, यानी इतिहादियों खासतौर पर बरतानिया और फ्रांस की संपत्ति जो थी वो पैदावार उनकी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से वो मरकजी ताकतों से ज़्यादा हथियार, गोला बारूद और सप्लाई तैयार करने के काबिल थी। देन एक्सेस टू कॉलोनियल रिसोर्सेज, नबादियाती वसायल तक रसाई, इतिहादी अपनी आलमी सल्तनतों के ऊपर अजाफी वसायल और फौजियों और सामान के लिए इनसार कर सकते थे। तो प्रोवाइडिंग देम विद क्रिटिकल एडवांटेज इन सस्टेनिंग द वॉर एफर्ट, तो इसकी वजह से इन्हें जंगी कोशिशों को जारी रखने में अहम बढ़तरी फराहम की थी। वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल पावर्स, मरकजी ताकतों की कमजोरी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी में इकतसादी मुश्किल क्या थी, तवील जंग ने मरकजी ताकतों की मईशतों को दबाव में डाल दिया था, जिसके नतीजे में खुराक की कमी हुई, अफराद अजार और आम लोगों और फौजियों में हौसले की कमी पैदा हुई। देन इंटरनल डिसस्पेसिफिकेशंस एंड रिवोल्ट्स, फिर अंदरूनी अदम इत्मीनान और बगावतें पैदा हुई, बड़ी सतह के ऊपर इस अदम इत्मीनान ने हड़तालों, बगावतों और सियासी जो है अदम इस्तेहकाम को, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी को जन्म दिया था। सो ऑस्ट्रिया हंगरी में जिसने इनके जंग लड़ने की सलाहियत को कमजोर कर दिया था। तो कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि पहली जंग अजीम में इतिहादियों की फतह जो थी वो फौजी, इकतसादी और इसके अलावा जो स्ट्रेटजिक अवामिल थे उनका मजमू थी। तो जो सुपीरियर रिसोर्सेज थी, अमेरिका की शमूलियत, मरकजी ताकतों की कमजोरी ने इस फतह में अहम किरदार अदा किया था। सो ये जो मल्टी फैसेटेड अप्रोच थी, इस अप्रोच ने मरकजी ताकतों के जवाल की राह हमार की और जंग के नतीजे का तयन किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डिस्कस द जनरल
causes of the rise of the dictatorship in Europe after the First World War. इसके इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर पास सेवरल यूरोपियन कंट्रीज सॉ द राइज ऑफ द डिक्टेटरशिप्स इकोनॉमिक हार्डशिप्स पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड सोशल अनरेस्ट क्रिएटेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर अथॉरिटेरियन लीडर्स टू सीज पावर द प्रॉमिस ऑफ द स्टेबिलिटी एंड रिवाइवल अपील टू मेनी सिटीजंस डिसइल्यूज्ड बाय द आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर. तो पहली जंग अजीम के बाद यूरोप में अमरीत के अरूज के अमूमी असबाब क्या थे. पहली जंग अजीम के बाद कई यूरोपीय ममालिक में अब अमरीतों का राज देखने में आया था. ठीक है, जो मुआशी मुश्किल थी, सियासी अदम इस्तेकाम था, समाजी बेचैनी थी, तो इनने इन तमाम चीज़ों ने अमरीत पसंद रहनुमाओं के लिए इकतदार संभालने की राह हमवार की और इस्तेकाम और बहाली का वादा इन शहरियों के लिए पुरकशिश था जो जंग के बाद की सूरत हाल से मायूस थे. अब इकोनॉमिक हार्डशिप्स क्या थी, मुआशी मुश्किल क्या थी. जंग ने यूरोपीय मीशतों को तबाह कर दिया था. बेरोजगारी थी, अफरात ज़ार थी, गुर्बत में इजाफे ने लोगों को उनके रहनुमाओं की तरफ मायल कर दिया जो मुआशी बहाली का वादा करते थे. फिर ग्रेट डिप्रेशन 1929 आलमी इकतसादी बहरान ने मुश्किलात को मजीद बढ़ा दिया था जिससे लोगों ने फौरी हल और मुआशी इस्तेकाम का वादा करने वाले अमरों की हमायत करना शुरू कर दी. देन पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वीक गवर्नेंस, सियासी अदम इस्तेकाम और कमजोरी. तो कमजोर जमहूरियतें जो थी वो कई यूरोपीय जमहूरियतें यानी कि नई थी, उन्हें तजर्बे की कमी थी जिसकी वजह से वो बहरानों का मुकाबला करने में नाकाम रही थी. सो गैर मौसर हुकूमतें अपने मुल्कों के मसाइल हल करने में नाकाम हो रही थी और फिर जमहूरियत से भी यानी कि बद एतमादी पैदा हो रही थी. जमहूरी हुकूमतों के मुआशी और समाजी मसाइल हल ना करने की वजह से जमहूरी निज़ाम से लोगों का एतमाद जो था वो ख़त्म हो गया था. तो जिसने उन्हें आमरियत की तरफ धकेल दिया जहाँ मजबूत और फैसला कुन क्यादत का वादा किया गया था. सोशल अनरेस्ट था और फियर ऑफ कम्युनिज्म. तो कम्युनिज्म का खौफ था, यानी रूसी इनकलाब 1917 ने यूरोप में कम्युनिज्म के फैलाव का खौफ पैदा किया और बहुत से लोगों ने आमरियत को कम्युनिस्ट असरात को रोकने के लिए और मुआशरती नज़्म ज़ब्त की हिफाजत का जरिया समझा. नेशनल एंड डिजायर फॉर स्टेबिलिटी, बढ़ती हुई कौम परस्ती के जज्बात ने लोगों को ऐसी मजबूत क़यादत की तरफ मायल किया जो कौमी वक़ार इस्तेकाम और नज़्म ज़ब्त को बहाल कर सके. ख़ास तौर पर जो यानी कि पहली जंग अजीम थी उसकी ज़िलत अमेज़ शिकस्त और नुकसान के बाद. तो पहली जंग अजीम के बाद यूरोप में जो राइज ऑफ डिक्टेटरशिप था इसकी वजूहत में मुआशी मुश्किल थी. तो इसके अलावा इसमें सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम था, समाजी खौफ था, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल थी. तो मुसोलिनी और हिटलर जैसे अमरों ने इन मसाइल का फ़ायदा उठाया और बहाली और मजबूत क़यादत के उन्होंने वादे किए जो बहुत से लोगों को कमज़ोर जमहूरी निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा पसंद आए थे. सो दिस शिफ्ट टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज्म रीशेप द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द यूरोप इज लीडिंग अप टू वर्ल्ड वार टू. तो इस तरह से बहुत से लोगों को कमज़ोर जमहूरी निज़ाम के मुकाबले में उनके जो ख्याल थे या उनके जो उन्होंने वादे किए थे मुआशी तौर पर लोगों को बहाल करने के और उनके तमाम मसाइल को हल करने के, तो उन लोगों ने उन वादों के ऊपर यकीन किया था और इस रुझान ने यूरोप के सियासी मंजरनामे को दूसरी जंग अजीम के दौर के लिए बदल कर रख दिया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन टू द फॉलोइंग बोल्शेविक रेवोल्यूशंस कोल्ड वॉर आर यूरोपियन यूनियन. सो बोल्शेविक इनकलाब जिसे अक्टूबर इनकलाब भी कहा जाता है, ये 1917 में रूस में वाकई हुआ था और इस इनकलाब के नतीजे में अबूरी हुकूमत का खात्मा हुआ था और बोल्शेविक पार्टी की क्यादत में जिसके सरबराह थे व्लादिमीर लेनिन थे वो एक कम्युनिस्ट हुकूमत का क्याम अमल में आया था. इसकी वजूहत क्या थी, मुआशी मुश्किलात थी, यानी पहली जंग अजीम के वजह से रूस को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना था जिससे खुराक की कमी थी और अफरात इज़ार जैसे मसाइल भी थे. उसके बाद सोशल इनइक्वलिटी, तो वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड लैक ऑफ द लैंड ओनरशिप अमंग पीसमेंट्स क्रिएटेड डिससैटिस्फैक्शन विद रूलिंग क्लासेस. तो किसानों में गुर्बत और ज़मीन की मलकियत के फुकदान ने हुक्मरान तबके के खिलाफ अदम इत्मीनान पैदा किया. डिमांड फॉर पीस, रूस जो था वो अवामी जंग से थक चुका था तो बोल्शेविक पार्टी ने अमन ज़मीन और रोटी का नारा लगाया था, पीस लैंड एंड ब्रेड. सो अपीलिंग टू द वार वियरी पॉपुलेशन, जिसने जंग से तंग आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा किया. अब इसके नतायज क्या थे, कम्युनिस्ट रियासत का क्याम अमल में आया था. इस इनकलाब के नतीजे में सोवियत यूनियन का क्याम अमल में आया जो दुनिया की पहली बड़ी सोशलिस्ट रियासत बनी. उसके बाद बादशाहत का खात्मा हुआ, यानी रूसी बादशाहत का खात्मा हुआ और इसके अलावा ज़ार निकोलस डोम को भी कत्ल कर दिया गया था.
ग्लोबल इसका इम्पैक्ट क्या था कि बोल्शेविक इनकलाब की कामयाबी ने पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट तहरीकों को मुतासर कर दिया था और 20वीं सदी में नजरियाती तसादम की बुनियाद रखी। उसके बाद इसमें है कोल्ड वार, दूसरा पॉइंट है कि सर्द जंग एक तवील अरसे तक जारी रहने वाली सियासी और नजरियाती दुश्मनी थी जो दूसरी जंग अजीम के अख्ताम यानी 1945 से सोवियत यूनियन के खात्मे 1991 तक अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जारी रही थी। सो इट वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द टेंशन कंपटीशन। तो इस अरसे के दौरान दोनों सुपर पावर्स के दरमियान शदीद तनाजा था, एटमी जंग का खतरा भी था, मगर ये कशीदगी कभी बर रास्त जंग में तब्दील नहीं हुई। अब इसकी अहम खसूसियात क्या है? आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, अमेरिका ने सरमायेदार निज़ाम और जमहूरियत की हमायत की जबकि सोवियत यूनियन को कम्युनिज्म और मरकजी मनसूबाबंदी की मैशत को फरोग देता रहा। अब आर्म्स एंड स्पेस रेस, यानी दोनों सुपर पावर्स ने एटमी हथियारों और खलाई जो कंपेन्स थी उसमें बढ़ोतरी ले जाने की कोशिश की, फिर जिससे क्या हुआ कि जो फौजी और टेक्निकल यानी एडवांसमेंट थी उसमें ये मुकाबला हुआ। प्रॉक्सी वार्स, तो सर्द जंग ने कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे ममालिक में तनाजात को हवा दी जहाँ दोनों सुपर पावर्स के ने मुखालिफ क़वतों की हमायत की। अब इसके नतायज की तरफ आते हैं, सोवियत यूनियन का खात्मा हो गया। इसके नतीजे में मुआशी दबाव और अंदरूनी मसाइल के बायस सोवियत यूनियन 1991 में तहलील हो गया और सर्द जंग का खात्मा हो गया। तो इस तरह से सर्द जंग ने आलमी सियासत में इतिहादों और जोग्राफी तकसीम को मुतासर किया, इंक्लूडिंग द फार्मेशन ऑफ नेटो एंड द वारसॉ पैक्ट। और इस तरह से नेटो और वारसॉ माहदा शामिल हैं और उनका असर आज भी मौजूद है। सो हमने डिस्कस किए हैं पास पेपर ब्रिटिश यूरोपियन हिस्ट्री पास पेपर 2016 के तमाम क्वेश्चन को। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। यू लाइक अवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।